जो इंसान महान हाइट पे पहुंचा उसको बहुत रिजेक्शन मिला। अगर तुम जिंदा हो लाइफ में ना तो तुम हारोगे, और जिंदा का मतलब ये नहीं कि जान, जिंदा का मतलब कि फुर्ती है, मतलब लड़ रहे हैं, वो जिंदा। यही प्रॉब्लम है तुम्हारी, यही तुम्हारी प्रॉब्लम है। एक छोटी सी हार मिली, छोटा सा रिजेक्शन मिला, बैठ के कोने में रोना स्टार्ट कर, फाइट बैक करना ही नहीं लगता। कि जो लोग बहुत महान बने, जो लोग एक्सट्रीमली सक्सेसफुल हुए लाइफ में, उनको रिजेक्शन नहीं मिला होगा। अरे दबा के रिजेक्शन मिला है, दबा के हारे हैं वो लाइफ में, पर हमेशा लड़ते रहे। सदी के महान आए अमिताभ बच्चन जी, जब एक्टिंग नहीं करते थे तो गए थे ऑल इंडिया रेडियो में इंटरव्यू देने कि हमको रेडियो जॉकी बना दो। इंटरव्यू तक नहीं दिया गया, भगा दिया, इंटरव्यू तक नहीं दिया। जेके रोलिंग को जानते हो? जेके रोलिंग जिन्होंने हैरी पॉटर लिखी है, आप सब जानते हैं हैरी पॉटर। गई पब्लिशर के पास, हमारी किताब छाप दो। अरे हट, ये कौन पढ़ेगा ये सब, है झाड़ू पे बच्चा घूम रहा है, ये सब कौन पढ़ेगा, कुछ रियल लिख के लो। दूसरे पब्लिशर रिजेक्ट, तीसरा पब्लिशर रिजेक्ट, 12 पब्लिशर ने उनकी किताब को रिजेक्ट किया, 13वें पब्लिशर ने सेलेक्ट किया। चाहती तो गिव अप कर देती, नहीं की, 12 बार गई, 13वीं बार गई तब सेलेक्ट हुई। वर्ल्ड की हाईएस्ट पेड ऑथर बनी, और जो प्यार मिला वो तो अलग लेवल का मिला। स्टीवन स्पीलबर्ग का नाम सुना है? जुरासिक पार्क बनाई थी उन्होंने। स्टीवन स्पीलबर्ग अमेरिका में गए थिएटर में कि हमको थिएटर में ले लो, रिजेक्ट। दूसरी बार रिजेक्ट, तीसरी बार रिजेक्ट, चौथी बार जुरासिक पार्क बना दी, $1 billion आ गया। जो इंसान महान हाइट पे पहुंचा उसको बहुत रिजेक्शन मिला। अगर तुम जिंदा हो लाइफ में ना तो तुम हारोगे।